हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ही होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम JKSSB जूनियर असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपके लिए कंप्यूटर्स के लेक्चर जो है वो लेके आ रहे हैं। तो ये मेरे पास जो ऑफिशियल जो सिलेबस है वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। ये सिलेबस है हमारा कंप्यूटर का, और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस, जो कि इसका फर्स्ट टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज का जो वर्ल्ड है, आज का जो टाइम है, आज के टाइम में कंप्यूटर्स का जो यूज़ है वो बहुत ही वाइड स्केल पे हो रहा है। आपको लिटरली हर चीज़ में कंप्यूटर का यूज़ जो है वो मिल जाएगा, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, या कोई वेदर फोरकास्टिंग हो, जहाँ कोई रोबोट हो, जहाँ आपके घर का ही कोई गैजेट हो, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका वॉशिंग मशीन, आपकी वॉचेस, या बहुत सारी ऐसे गैजेट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको कंप्यूटर्स का जो यूज़ है वो मिल जाएगा। तो एक्चुअली में कंप्यूटर है क्या, ये काम क्या करता है, ये सारा कुछ हम जो फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डेटा डिवाइस विच एक्सेप्ट्स एंड स्टोर्स द डेटा, प्रोसेसिस द डेटा एंड जनरेट्स द आउटपुट इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। देखिए, बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कंप्यूटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सबसे पहले आपके इनपुट को स्टोर करेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद जो भी आपका आउटपुट आपको चाहिए होगा वो उस हिसाब से आपको आउटपुट जो है वो देगा। इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले आपको इनपुट मिलेगा, उसके बाद जो कंप्यूटर है वो इसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद जो भी आपको आउटपुट चाहिए होगी जिस भी फॉर्मेट में, वो उसी फॉर्मेट में ऑडियो वीडियो टेक्स्ट जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा उस फॉर्मेट में जो आउटपुट जो है वो आपको मिल जो है वो जाएगी। तो फंक्शनैलिटीज़ देखते हैं। ये वही चीज़ आ गई कि जो कंप्यूटर है वो टेक्स द डेटा, मेमोरी में स्टोर करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, जैसा भी आपको आउटपुट चाहिए होगा उसके हिसाब से प्रोसेस करेगा, और जो आउटपुट जो आपको है वो दे देगा। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं ओवर ह्यूमन। दोस्तों अगर जो काम कंप्यूटर्स करता है अगर वो ह्यूमन करने लगे तो इसमें हज़ारों साल, शायद हज़ारों साल लग जाएं, और उसके बाद ह्यूमंस जो हैं वो बोर्डम भी फील कर सकते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है, बहुत सारे ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं वो एक तो हाई स्पीड पे काम करेंगे और विदाउट एनी जो है वो गलती के जो काम करेंगे। सो फर्स्ट इसकी जो एडवांटेज हम देख रहे हैं वो है हाई स्पीड। कंप्यूटर इज़ ए वेरी फास्ट डिवाइस। जी हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट डिवाइस है। ये जो अपना जो काम है वो माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स और इवन पीको सेकेंड्स में जो अपना काम हुआ वो परफॉर्म जो है वो करता है। यही सेम काम करने में ह्यूमन बीइंग जो है वो शायद हज़ारों साल जो है वो ले लें। तो इसलिए जो कंप्यूटर्स की हाई स्पीड है वो बहुत ही बड़ी एक जो है वो एडवांटेज है। उसके बाद सेकंड इसकी एडवांटेज है एक्यूरेसी। फास्ट होने के साथ साथ ये एक्यूरेट काम भी करता है, 100% एरर फ्री काम करेगा। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो आपका इनपुट है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इनपुट करेक्ट होगा तभी आपको आउटपुट जो है वो करेक्ट जो है वो मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो एडवांटेज आ गई इसकी वो आ गई स्टोरेज कैपेबिलिटी। ह्यूमंस की तरह इसके पास भी मेमोरी है, ये भी अपनी मेमोरी में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है, और वो डेटा कोई भी फॉर्म में हो, इमेजेस की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, वीडियोस की फॉर्म में हो, ऑडियो की फॉर्म में हो। सो ये आ गई इसकी थर्ड एडवांटेज। उसके बाद फोर्थ एडवांटेज आपको मिलेगी डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होती है, डिलीजेंस होती है कि जो
कंप्यूटर्स हैं वो टायर्डनेस, थकान, लैक ऑफ कंसंट्रेशन या बोर्डम फील करना, इस तरह की जो एरर्स हैं वो कंप्यूटर्स में नहीं होते। लेकिन ह्यूमन बीइंग टायर्डनेस भी फील करेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी फील करेगा और बोर्डम भी फील करेगा, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता और वो अपनी स्पीड को जो है वो मेंटेन करके जो है वो रखता है। फोर्थ का आ गया वर्सेटैलिटी। बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है। वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि सेम टाइम पे या ये बहुत सारे काम जो है वो कर सकता है। शायद एक साइड पे आप साइंटिफिक का कोई काम कर रहे हो, दूसरी साइड पे आप गेम भी खेल रहे हो, तो ये बहुत ही वर्सेटाइल जो है वो मशीन है। फिफ्थ आपका आ गया रिलायबिलिटी। रिलायबल मशीन है। रिलायबल का क्या मतलब कि एक बार इंस्टॉल किया उसके बाद जो है इसके कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही देर तक चलेंगे और आपको जो बेनिफिट जो है वो देते रहेंगे। और इसके कंपोनेंट्स को चेंज करवाना या मशीन को चेंज करवाना कोई आज के टाइम में मुश्किल काम है भी नहीं। मेंटेनेंस भी इजी है। आपको बहुत सारे शॉप्स जो हैं वो मिल जाएंगी जो आसानी से मेंटेनेंस करके आपको दे देंगे। उसके बाद सिक्स्थ जो एडवांटेज है वो आ गई ऑटोमेशन। बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन है। एक बार आपको इनपुट देना है, उसके बाद सारा काम खुद करेगी विदाउट एनी एरर। सिर्फ एक बार आपको इनपुट देना है, उसके बाद ह्यूमन का इंट्रैक्शन देने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। रिडक्शन इन द पेपर वर्क कॉस्ट। पेपर वर्क कॉस्ट बचता है इसमें। हाँ ये बात है कि फर्स्ट टाइम आपको जो पैसा है वो खर्चना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपका पेपर वर्क का बहुत सारा जो कॉस्ट है वो बचेगी और भी बहुत सारी कॉस्ट जो है वो बचेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर्स। देखिए सबसे पहली डिसएडवांटेज है नो आईक्यू। कंप्यूटर के पास कोई भी आईक्यू नहीं होता, नो इंटेलिजेंस। जैसा कि ह्यूमंस के पास इंटेलिजेंस होती है कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है, कौन सा काम करने से हमें फ़ायदा होगा कौन सा नुकसान होगा, लेकिन कंप्यूटर्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। इसको सिर्फ ऑर्डर मानने आते हैं। जैसा ऑर्डर आप दोगे वैसा ये काम करके आपको दे देगा, चाहे उससे नुकसान हो या फ़ायदा हो, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं। डिपेंडेंसी बिल्कुल ह्यूमंस पे फुली डिपेंडेंट है ये। आप इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा, इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इसको डस्ट फ्री और सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, लाइट वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये आ गई इसकी थर्ड डिसएडवांटेज। नो फीलिंग्स। कंप्यूटर्स के पास कोई किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग नहीं होती। लव, हेट, हंगर, टेस्ट, नॉलेज, इस तरह की कोई भी इसके पास जो है वो फीलिंग जो है वो नहीं होती। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जल्दी आपको वीडियोस मिल जाएगी और जल्दी हम इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद MCQs वगैरह और रिवीजन भी कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और सक्सेस JK247 चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।